हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज हमारा करंट अफेयर जो है 19th of March 2023 का रहेगा। आज हम लोग इसके मेन ये जो एस्पेक्ट्स हैं आज द हिंदू के उसको देखेंगे, और सॉरी 10 मिनट हम लोग टाइम देंगे यहाँ पे और आज इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है गाइस, आज का जो फर्स्ट हेडलाइट है वो ये है, ये है कि इंडिया सूट्स अप फॉर डीपेस्ट डाइव एट। देखिए हम लोग, मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे, इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे कि कौन सा टॉपिक किस पोर्शन से बिलोंग करता है, जैसे इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। तो ये जो इंडिया सूट्स अप फॉर डीपेस्ट डाइव एट, तो मैं आपको बता दूं कि ये इन चारों में से किसी से बिलोंग नहीं करता है, कह सकते हो ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उससे बिलोंग करता है ये। ठीक है, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, थोड़ा थोड़ा ही बता पाऊंगा मैं आपको। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई ने एक मत्स्य 6000 नाम का एक सबमरीन बनाया है, आप कह सकते हो। ठीक है, और इस सबमरीन की खास बात यह है कि इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा, इस आर्टिकल को आप लोग चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है गाइज, देखिए गाइज, यहाँ पे द हिंदू में एक चीज यहाँ पे और दिया है और ये काफी समझने वाली है। ये इंटरनेशनल PSIR जिसका भी ऑप्शनल है या फिर पॉलिटी है, ये पॉलिटी वाले पोर्शन से बिलोंग करता है, तो हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, मोदी हसीना ओपन 131.5 किलोमीटर ऑयल पाइपलाइन टू द बांग्लादेश। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। देखिए, ये इंडिया से जो है, इंडिया के मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो पाइपलाइन है डीजल का, वो असम के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के परबतीपुर, जो नॉर्दर्न बांग्लादेश है, वहाँ तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है जो कि 131.5 किलोमीटर का है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि 126.57 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश कवर कर रहा है इस पूरे पाइपलाइन का, और 5 किलोमीटर जो है वो इंडिया में है। ठीक है, 16 डिस्ट्रिक्ट जो है इससे बेनिफिट हो रहे हैं बांग्लादेश के। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रहा है हम लोगों को जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखिए, रिक्वायरमेंट प्रपोजल फॉर द एकलव्य स्कूल लीव्स एग्जिस्टिंग टीचर्स इन अ बाइंड। तो देखिए, जो एकलव्य स्कूल्स के लिए जो टीचर्स की वो यहाँ पे बताई गई है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर एकलव्य स्टाइल ऑफ टीचर है क्या। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले कि जो टोटल गवर्नमेंट का जो प्लान है वो 2025-26 तक 740 एकलव्य स्कूल्स जो है बनाने हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि इसको कवर कर लेना है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल में केवल और केवल 401 स्कूल्स हैं, और टीचर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट है क्योंकि टीचर की जो है कमी, यहाँ पे शॉर्टेज देखी जा रही है। मेन प्रॉब्लम जो है वो टीचर की ही शॉर्टेज देखी यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, मतलब उतना ज़्यादा है नहीं, इसको पढ़ सकते हो आप। ठीक है, मिलेट कैन बी सॉल्यूशन फॉर द फूड न्यूट्रिशन क्राइसिस। मोदी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आज हमारे यहाँ, आपको मैं बता दूं कि टोटल इकोनॉमी का 80% मिलेट जो है हमारे यहाँ उत्पादित किया जाता है, हमारे यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, तो मोदी कहते हैं कि ये जो मिलेट है वो हमारा फूड क्राइसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, न्यूट्रिशन क्राइसिस के लिए। ठीक है, मिलेट का यूज हम लोग कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि 2.5 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको बूंद मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हो केवल, इसमें ज़्यादा कुछ नो डाउन करने वाला है नहीं। ठीक है, में एक आर्टिकल यहाँ पे हम लोग को देखने को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये देखने को मिलता है, कह रहा है कि तमिलनाडु's नोवेल इनिशिएटिव रिजल्ट्स इन द रिड्यूस टीवी डेथ्स। देखिए, मैं बता दूं कि तमिलनाडु ने एक इनिशिएटिव डेवलप कराया है जिससे टीवी डेथ्स, पहले 2 महीने होते होते टीवी के पेशेंट मर जाते थे, अभी उनमें काफी ज्यादा अच्छा जो है वो देखने को, सुधार देखने को मिला है। तो ये एक तमिलनाडु की ग्रेट अचीवमेंट है। आखिर ये कैसे हुआ, तो इसको एक बार आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ लेना थोड़ा सा। यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी से एक चीज और बिलोंग करता है कि मैगलन स्पेसक्राफ्ट रिकॉर्ड्स वोल्कैनिक एक्टिविटी इन वेनस। वेनस में जो है वो एक वोल्कैनिक एक्टिविटी देखी गई है, तो इसको फिर थोड़ा सा आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, रिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड वाटर एक्सट्रीम्स इंक्रीजिंग सिंस 2002 से जो वाटर एक्सट्रीम जो देखने को हमको मिल रही है, और मैं आपको बता दूं कि 2002 से 2021 तक काफी सारे ड्रॉट्स, फ्लूड्स वगैरह वगैरह देखने को हम लोग को मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि 2015 से 2021 के बीच ये सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं, करीबन करीबन साल में 4 बार, जो कि कंपेरिजनली 3 ही बार देखे जाते थे 13 साल पहले। ठीक है, यहाँ पे बस आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे पास, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो कल हम लोग मिलते हैं, थैंक यू सो मच।